मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसे एजुकेशन हरबंसुल। सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 15 एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द थ्री मेन टॉपिक्स, ओजोन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द ओजोन लेयर। व्हाट इज द ओजोन लेयर? सो ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव शील्ड। ओके, इट इज ए प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ, ओके, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इट मीन्स वॉट इज इट्स फंक्शन? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए इसको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारी अर्थ है, ओके, और इसके क्या होता है, चारों तरफ जो एनवायरमेंट है उसके स्ट्रेटोस्फेयर में, आप याद रखेंगे किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, इसमें ओजोन की एक लेयर है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ओजोन लेयर? इट इज ए प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी एक तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है सन से, यूवी रेज, आपको पता है यूवी रेज काफी हार्मफुल होती है, पेनिट्रेटिंग होती है एंड दे आर लीथल टू, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अल्फा बीटा गामा होती है, तो उसमें लीथल भी होती है, ये इवन डेड भी कॉज कर सकती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होते हैं, डायरेक्टली हमारी अर्थ पे ना आके दे कैन बी फिल्टर्ड और दे पास थ्रू द ओजोन लेयर, जिससे क्या होता है कि उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हम तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पाता। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव शील्ड विच प्रोटेक्ट अस और प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर डायरेक्टली अर्थ पे आएंगे तो देखिए, इससे मेनली जो चीजें हैं, कैंसर है, कैटरेक्ट है, स्किन पिगमेंटेशन है, इस तरह की एलर्जीज हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा होने लगेंगी। सो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड है, कवरिंग है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। इज दैट क्लियर? प्लांट को डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करती है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है, ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करती है। बट देखिए, अगर इसको ओजोन को हम ऑन द अर्थ ग्राउंड लेवल पे, ओजोन क्या होती है, इट इज डेडली पॉइजन। ओके, इट इज डेडली पॉइजन, यानी अगर आप कहें कि क्या हम ओजोन लेयर को इनहेल कर सकते हैं, नो, नेवर। ओजोन को हम इनहेल नहीं कर सकते, ओजोन को हम यूज भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज ये डेडली पॉइजन है ग्राउंड लेवल पे। बट अगर हम बात करें कि अर्थ के चारों ओर इसने जो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाया है वो हमारे लिए प्रोटेक्टिंग कवरिंग की तरह काम करता है, अंडरस्टैंड? अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स की। ये जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं ये बनते कैसे हैं? तो देखिए, ये बनते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ही इनकी फॉर्मेशन होती है। कैसे? देखिए, स्टार्टिंग में होता है ऑक्सीजन, आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज दिस ऑक्सीजन डिसोसिएट और ब्रेक डाउन इनटू द नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हम फ्री ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन। ये फॉर्मेशन के दो स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप क्या है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज इट इज डिसोसिएट और ब्रेक डाउन इनटू द फ्री ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। इन सेकंड स्टेप, नाउ दिस फ्री ऑक्सीजन गेट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड दे आर फॉर्मिंग द थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। इज दैट क्लियर? तो ओजोन क्या है? ओजोन इज द थ्री मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन विच इज एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इज दैट क्लियर? तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ओजोन लेयर क्या है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो इसकी फॉर्मेशन दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है विच इज द प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाती है नेसेंट या फ्री ऑक्सीजन में, एंड दैट दिस फ्री ऑक्सीजन गेट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दे आर फॉर्मिंग द थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। क्लियर है? इस तरह से ओजोन की फॉर्मेशन होती है। देखिए, थर्ड टॉपिक है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। वो क्या है? डे बाय डे कुछ केमिकल्स के यूज की वजह से ओजोन की जो थिकनेस थी स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन की जो थिकनेस थी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी एक थिकनेस थी 1.5 mm और व्हाटएवर देयर, बट अब जो ये थिकनेस है दैट शुड बी रिड्यूस्ड। होल का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें एक छेद हो गया बड़ा सा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इसकी जो थिकनेस थी
दैट शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, वो थिकनेस कुछ पॉइंट पे 1985 में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन है उसकी थिकनेस डिक्रीज हो गई है। ठीक है, यानी पहले इतनी थिकनेस थी लेकिन अब उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। और जब उसका रीजन पता लगा साइंटिस्ट को, तो उन्होंने पता लगाया कि सम केमिकल्स आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सो व्हाट वी कैन से दैट डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर और ओजोन होल, इट इज ऑल्सो नोन एज द ओजोन होल। ठीक है, ओजोन होल मीन्स नॉट कि उसमें कोई होल हो गया है, बट ओजोन होल इट मीन्स रिडक्शन इन द थिकनेस। ओके, उसकी जो थिकनेस थी लेयर की दैट शुड बी रिड्यूस्ड। Understand? And it was noticed in 1985 over Antarctica that the thickness of the ozone should be decreased. Understand? And it is decreased due to the uses of some chemicals. जिसमें सबसे main जो major नाम था वो था CFCs का। CFCs, chlorofluorocarbon. Okay, chlorofluorocarbon. ये एक ऐसा केमिकल या गैस आप कह सकते हैं विच आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर, एसी, फायर एक्सटिंग्यूशर्स एटसेट्रा। इसके कंटिन्यूअस यूज की वजह से क्या हो रहा था, ओजोन डिप्लीट हो रही थी, यानी जो उसकी फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन को इसने रिड्यूस कर दिया और जिससे वो धीरे 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 उसकी थिकनेस क्या हो गई, कम हो गई। बट इट इज़ ए कंसर्न पॉइंट कि वही बहुत हार्मफुल पॉइंट था। वाई? बिकॉज जब ओजोन की थिकनेस कम होगी तो क्या होगी, जो भी हार्मफुल रेडिएशन है वो डायरेक्टली अर्थ पे आएगी, क्लियर और नॉट? और जब वो डायरेक्टली अर्थ पे आएगी तो वो सारी प्रॉब्लम्स जिनसे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन, वो सारी प्रॉब्लम कॉज करेंगी। फॉर एग्जांपल कैंसर है, पिगमेंटेशन है, स्किन एलर्जीज है, कैटरेक्ट है एटेक्स्ट्रा। इज इट क्लियर? तो ओजोन डिप्लीशन से ये सारी प्रॉब्लम्स वापस क्रिएट हो जाएंगी। तो देखिए, इसके लिए एक UNEP, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, देखिए CFCs के अलावा कुछ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इट मीन्स विच आर कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी थे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन। इज दैट क्लियर? सो दे डिसाइडेड, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम दे डिसाइडेड दैट वी हैव टू बी बैन ओवर द CFCs. And they organized a protocol in which, it means you can say that एक meeting, एक protocol इन्होंने organized किया 1986 में, okay? जिसमें बहुत सारी countries ने participate किया and they decided to stop the or to ban over the CFCs. और उसके बाद से chlorofluorocarbon का जो production था उसको ban कर दिया गया, या आप कह सकते हो उसका amount reduce कर दिया गया to protect the ozone layer. इज इट क्लियर बेटा? तो देखिए, हमने तीन टॉपिक्स में डिस्कस किए हैं, ओजोन लेयर विच इज प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ओके, हाँ, अर्थ पे इट इज एक्ट एज ए डेडली पॉइजन, ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए हमारे पास टू स्टेप है, पहले जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है दैट इज ब्रेक डाउन इन टू द फ्री मॉलिक्यूल्स एंड देन फ्री मॉलिक्यूल गेट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, ओके। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कुछ केमिकल्स के कंटिन्यूअस यूज की वजह से जो ओजोन की थिकनेस रिड्यूस हो गई, दैट इज नोन एज द ओजोन होल और ओजोन डिप्लीशन, विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1985 ओवर द अंटार्कटिका एंड लेटर ऑन इट शुड बी डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम दैट वी शुड बैन ओवर दैट केमिकल, ओके, एंड दे अरेंज ए क्योटो प्रोटोकॉल इन 1986। अंडरस्टैंड? Okay, have a good day. Bye.